निर्वाही उपचुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की आज अहम बैठक होने वाली है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बताया कि सीट के लिए 7 दावेदारों का पैनल तैयार किया गया है, जिसमें नए पुराने चेहरे शामिल किए गए हैं। सभी दावेदारों ने मुख्यमंत्री से चर्चा की है। आज की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी और 12 अक्टूबर तक नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। स्वराज संवाददाता ने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम से खास बातचीत की। चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी। मरकाम साहब, आज एक तो चुनाव समिति की आप लोगों की बैठक हो रही है, नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, तो क्या माना जाए कि आज की बैठक में प्रत्याशी के नाम पर मोहर लग जाए? मरवाही उपचुनाव के लिए आज प्रदेश चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज राजीव भवन में 7 बजे होने जा रही है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभारी आदरणीय पीएल पुनिया साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और कुछ मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे, और जो नाम आए हैं पैनल में उन नामों पर विचार होगा। अगर सहमति बनती है तो हाईकमान के अनुमति से, हाईकमान के अनुमोदन के बाद 12-13 तारीख को हमें लगता है कि नाम की घोषणा हो पाएगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी सीट छोड़ देती है, कांग्रेस को भी इसी तरीके से रीचा के लिए सीट छोड़ देनी चाहिए। जोगी परिवार की बहू है, पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति इतनी तो सहानुभूति दिखानी चाहिए कांग्रेस को। देखिए, छोड़ना, सीट छोड़ना नहीं छोड़ना, ये तो हाईकमान के ऊपर निर्भर करेगा। पार्टी सभी के मतलब विचार के बाद ही इस मुद्दे पर अपन कुछ कह पाएंगे, क्योंकि हमने जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। हम चुनाव लड़ने के मानसिकता के साथ, हम संगठन हर स्तर पर तैयारी है, सरकार भी उस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है, मगर सीट छोड़ने वाली बात है, वो हाईकमान ही तय कर पाएगा। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार इन 2.25 सालों में मरवाही, पेंड्रा, गौरेला को जिले की सौगात दी, 332 करोड़ों के निर्माण कार्यों को भी दी। हमें लगता है हम अपनी तैयारियों में हैं, और हम लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे मरवाही चुनाव भी हम पता करेंगे, और इतिहास में पहली बार 90 में 70वां सीट मरवाही सीट होगा, ऐसा हमें लगता है। पता कर पाएंगे जोगी का वर्चस्व जो है कांग्रेस पार्टी तोड़ देगी और 70वां सीट कांग्रेस की झोली में मरवाही के रूप में देखने को मिलेगी। कैमरामैन रेखराम के साथ वैभव सिंह पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। सिम